अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बैक गला स्टिच करके दिखाएंगे कि बैक गले की पट्टी कैसे लगाई जाती है। पहले इसके लिए हम पहले फ्रंट गला बनाएंगे, उसके बाद हम बैक गला बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ऐसे फ्रंट गले के सिलाई लगाते जाएं, हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। ऐसे हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है, फिर हम इसके दरमियान वाला कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ऐसे अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे फिर हल्के हल्के कट लगाते जाएं, हमने सिलाई नहीं काटनी, कट सिर्फ कपड़े के ऊपर आई सिलाई को छोड़कर। फिर ऐसे प्रेस कर लें या वैसे ही सही करके तुरपाई कर लें। ऐसे बारीक बारीक तुरपाई करती जाएं, जितनी बारीक करेंगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। हमारी तुरपाई मुकम्मल हो गई है। हम गला बनाने के बाद कंधों की सिलाई लगाएंगे, जैसे कि मैंने लगा ली है। अब हम बैक गला कटिंग करेंगे, हमने ज़्यादा गहरा गला कटिंग नहीं करना। ऐसे अब हम रेप की पट्टी लेंगे, हमने सीधी पट्टी बिल्कुल नहीं लेनी, सीधी पट्टी से बैक गला नहीं बनता। ऐसे पट्टी को ऐसे रखेंगे, हम ऐसे थोड़ा फोल्ड करेंगे, कंधों के साथ सिलाई लगाकर फिर गले की सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके ऐसे पट्टी लगाने से बिल्कुल नीट गला बनता है। ऐसे लगाते जाएं, आखिर में इसको फोल्ड करें कंधे के ऊपर। ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा काट लें, उसके बाद हम इस पट्टी को इस तरह पट्टी फोल्ड करने से बिल्कुल नीट बनता है गला, क्योंकि हमें पट्टी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम गला बनाते हैं सिलाई लगाते हैं तो खुद ब खुद ऐसे पट्टी फोल्ड होती जाती है, क्योंकि हमने आगे से नुक्कड़ इसके फोल्ड किए हुए हैं पहले से। ऐसे सिलाई लगाते जाएं, हमने पट्टी को खींचना नहीं है ना ही गले को खींचना है, नीचे से दोनों बराबर रखने हैं। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम धागा पक्का करके काट लेंगे। हमारा गला तैयार है, बिल्कुल नीटनेस से बना है, देखें।